इससे पहले आगे बढ़े, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ Pudmo.com के बारे में, जो कि चैनल के स्पॉन्सर्स हैं। Pudmo.com आर द बेस्ट प्लेस टू गेट योर स्पेयर पार्ट। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है जो बनती हो, ना बनती हो, नई हो, पुरानी हो, उनके स्पेयर पार्ट्स इनके पास अवेलेबल है। सस्ती गाड़ी, महंगी गाड़ी, और सबसे अच्छी बात यह है कि सेम स्पेयर पार्ट डिफरेंट कॉम्पोनेंट मेकर से अवेलेबल है इनके पास। यानी कि अगर आप चाहते हैं AC कंप्रेसर लेना तो 3 डिफरेंट कॉम्पोनेंट मेकर से अवेलेबल है। प्राइसिंग की फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है, मनी बैक अश्योरेंस आपको देते हैं, और अगर आप रेगुलरली इनकी वेबसाइट या ऐप को चेकआउट करेंगे तो ये ऑफर्स और स्कीम्स भी आपको रेगुलरली देते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको 5 टॉप गाड़ियां और बाइक, इनफैक्ट एक जो लॉन्च हुई इस साल में। पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू यू, बिकॉज आपने सपोर्ट दिखाया इस चैनल को, सब्सक्राइब किया, व्यूज़ देखे और कमेंट लिखा, उससे मोटिवेट हुए। हालांकि सब्सक्रिप्शन की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि शायद आप लोग शेयर नहीं कर रहे हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, लेकिन फिर भी आप लोगों का सपोर्ट है तो ही हम लोग हैं। और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट राइट थ्रू 2021। इट वॉज अ टफ ईयर फॉर एवरीबॉडी, सब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल साल था, लॉकडाउन था, पैंडेमिक था, जॉब लॉस थे, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी ऑटो इंडस्ट्री भी डाउन थी काफ़ी, लेकिन फिर भी लोग उभर के आ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दोबारा अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एक्नॉलेज दैट, एंड सेकंड ऑफ ऑल आई टू से बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट। 7-8 साल ऑन दी ऑटो पोर्टल चैनल, जहाँ से आपने मेरे को देखना शुरू किया, और 2.5 साल इस चैनल पे, और आप लोगों का सपोर्ट अभी भी वैसा ही ऐसे पहले था। पहले जब मैंने लॉन्च किया था अपना फर्स्ट वीडियो इको स्पोर्ट के साथ ऑटो पोर्टल पे, और जब मैंने अपना पिछला वीडियो किया, तो आपका सपोर्ट कभी भी खत्म नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ। और अब बात करते हैं of the top 5 cars and one bike launch of the year. Number 1 pe undoubtedly the big highlight of this year was the XUV 700. ab 700 jab hum chalane gaye the Chennai mein Mahindra ki facility pe, unke plant ke bahar, plant to nahi lekin unhone track wahan pe bana rakha hai, testing trial track hai wo, to hum log completely shatter ho gaye the, maza aa gaya tha gaadi chala ke, uski technology, uske features, usme space, uski quality, uske looks, sab cheeze hi bahut badhiya thi। और जैसे ही गाड़ी लॉन्च हुई, लॉन्च प्राइस तो काफ़ी हल्का था, लेकिन जो टॉप ऑफ द लाइन था वो थोड़ा महंगा था, लेकिन उसके बावजूद भी लॉन्च होते ही पता चल गया कि क्या स्वाद है गाड़ी में, क्योंकि आप लोगों ने उस गाड़ी पे इतने ज़्यादा बुकिंग्स करी, इतनी ज़्यादा उसके पे पैसा लगाया कि गाड़ी पे वेटिंग पीरियड आ गया लॉन्च होते ही 6-7 महीने का, और किसी किसी वेरियंट पर तो 1 साल का वेटिंग पीरियड आ गया है। सो आई थिंक द कार ऑफ द ईयर, द बेस्ट न्यू लॉन्च ऑफ द ईयर अनडाउटेबली हैज़ टू बी the Mahindra XUV 700, and also because of the ADAS features that it offers, it was the first car in this price to offer it, or that also makes a big difference. So definitely it wins the award for car of the year this year. Puri list agar aap dekhna chahte hain awards ki, to aap mere official channel auto portal pe ja sakte hain, english mein hai wahan pe sare videos, to agar aap angrezi mein shauk rakhte hain videos dekhne ka to wahan pe check kar sakte hain, but yahan pe hum hindi mein batayenge aapko। dusri gaadi jo important gaadi thi aur jo bahut achhi gaadi thi, usko main bolunga compact SUV of the year keh sakte hain, aur bahut hi standout gaadi thi, डेफिनेटली टाटा पंच। टाटा पंच जो थी, कुछ लोगों को बाद में लगा कि प्राइसिंग थोड़ी कम हो सकती थी, बट आई थिंक प्राइसिंग इज ऑल्सो जस्टिफाइड बिकॉज फॉर द स्पेस, फॉर द रोड प्रेजेंस, फॉर योर ड्राइविंग एबिलिटीज, इट इज़ रियली 90% ऑफ द नेक्सॉन फॉर अबाउट 75% ऑफ द प्राइस। सो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से भी अच्छी गाड़ी है, एंड व्हेन यू ड्राइव इट, व्हेन यू सिट इनसाइड इट, यू विल नॉट फील कॉम्प्रोमाइज्ड इन एनी वे। अगर आपको 10 लाख नहीं खर्च करने नेक्सॉन पे, 8.5-9 लाख नहीं खर्च करने नेक्सॉन पे, आपको सिर्फ 6 लाख खर्च करने हैं, 7 लाख खर्च करने हैं, और आप चाहते हैं SUV का एक्सपीरियंस लेना, तो इस गाड़ी में स्पेस, रोड प्रेजेंस, ग्राउंड क्लियरेंस, ड्राइविंग एबिलिटीज़ सारी नेक्सॉन वाली, और सबसे अच्छी बात है 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, जो कि बनाती है इसको एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज, सॉलिड पैकेज है, एक स्टैंडर्ड फीचर है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का, भी फैमिली के जब निकलेंगे सेफ महसूस करेंगे। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गाड़ी थी। तीसरी गाड़ी जो इस लिस्ट में मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा लॉन्च था इस साल का, वो थी सेलेरियो। इसको हम हैचबैक ऑफ द ईयर भी कह सकते हैं, और देंगे इसको हैचबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब आप कहेंगे सेलेरियो की लुक्स हमें पसंद नहीं आए, हमें लगा कि पिछली वाली गाड़ी ज़्यादा अच्छी थी, इतनी शार्प नहीं है, इतनी शानदार नहीं है। ऑनेस्टली लुक्स वेरी सब्जेक्टिव, किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं लगते। मुझे भी जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी गाड़ी लॉन्च होते टाइम पिक्चर्स में, थोड़ा सा लगा था कि मारुति ने डिज़ाइन कम किया है गाड़ी को, तो अच्छा नहीं है, शार्प नहीं है, लेकिन जब मैंने रियल लाइफ में देखा, मेटल में देखा और चलाई गाड़ी, तो ना रियलाइज़ कि नहीं यार, गाड़ी देखने में बहुत ही मज़ेदार है। जब शोरूम में देखेंगे अरीना के जाके, तो आप रिलाइज़ करेंगे बहुत ही अच्छा लुक है गाड़ी का, शार्प लुक है और डिफरेंट लुक है चलाने में, लेकिन मज़ा आ जाएगा गाड़ी आपको। 1 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है, मक्खन है, बहुत ही अच्छा इंजन है, और योकोहामा के टायर्स आते हैं फैक्ट्री फिटेड, विच डेफिनेटली गिव इट अ एज, और इंटीरियर में स्पेस भी अच्छा है, फीचर्स भी अच्छे हैं, और मज़ा आएगा आपको, मैं ये कहूँगा। प्राइसिंग भी अच्छी है, और फ्यूल एफिशिएंसी तो जो इस वक्त कमर तोड़ प्राइस हो रखा है पेट्रोल का, उस लिहाज से 26 की फ्यूल एफिशिएंसी है, बहुत बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी भी है इस गाड़ी की। सो दैट्स नंबर 3 ऑन द लिस्ट। नंबर 4,
Well, it's a car which doesn't need any kind of introduction. It's a car which we've already liked seeing, and it's a car which doesn't have a very big mass audience market. It's the SUV of the year, and that SUV is the Force Gurkha. Force Gurkha, jo hai, ye pure SUV lovers ke liye bani hai, jo off-roading karte hain, le Ladakh le aate gaadi ko, aur jo wait nahi kar sakte ek saal ka Thar ke liye ya 8-9 mahine Thar ke liye, unke liye bahut hi acha package hai. Thar se bhi zyada mere ko laga ki iske andar off-roading capability hai, ground clearance bahut badhiya hai. रोड प्रेंस बहुत ही आलीशान है, और जो लोग, जैसा मैंने कहा, एसयूवी लवर है, जो 4x4 को समझते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार पैकेज है. मज़ा आ जाएगा आपको इस गाड़ी में बैठ के, चला के, और इन शॉर्ट आई थिंक इट रियली इज द एसयूवी ऑफ द ईयर, नॉट विदाउट रीजन. और अगली गाड़ी जो इस लिस्ट में, और जो पाँचवीं गाड़ी है इस लिस्ट में, और जो बनती है वन ऑफ द बेस्ट न्यू लॉन्च ऑफ दिस ईयर, इज द Hyundai i20 N-Line. अब आप कहेंगे N-Line में ऐसा खास क्या है? वेल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो N-Line है वो गाड़ी बाहर से देखने में भले ही लगती हो रेगुलर Hyundai i20 की तरह, बट अंदर से थोड़े से चेंजेस हैं, शार्प लुक्स हैं, स्पोर्टी लुक्स हैं, और बाहर से जो उसके अंदर डिटेलिंग करी गई है थोड़ी थोड़ी हल्की, उससे गाड़ी अलग लगती है, बाकी i20 से अलग दिखेगी. चलाने में मज़ा आएगा आपको, क्योंकि सस्पेंशन ट्यूनिंग करी गई है, मफलर के अंदर आवाज़ ज़्यादा आती है, भगाएंगे गाड़ी को तो आवाज़ जो आएगी एग्जॉस्ट नोट वो अच्छा मिलेगा, और पर्सनैलिटी जो गाड़ी की है बड़ी सोफिस्टिकेटेड चार्मिंग पर्सनैलिटी है. और इससे पहले जो गाड़ी हम कहते थे हॉट हैच पोलो GTTSI है, वो बहुत पुरानी हो गई है, तो एक नई हॉट हैच आ गई है मार्केट में, एंड आई थिंक दैट द i20 N-Line डिजर्व्स द बेस्ट न्यू वेरिएंट ऑफ द ईयर अवार्ड. इट्स अ वेरी गुड कार, वेरी वेल मेड कार, एंड डेफिनेटली क्वालिटी इंटीरियर्स, हाई क्लास इंटीरियर्स, लॉट्स ऑफ फीचर्स, लॉट्स ऑफ कूल इक्विपमेंट, एवरीथिंग ऑन दिस कार वर्क्स वेरी वेल, एंड ड्राइविंग प्लेजर इज रियली वेरी गुड. अब ये तो गई कार्स की बात, अगर बाइक्स की बात करें तो एक बाइक है जो स्टैंड आउट करती है सबसे. कौन सी बाइक है वो मेरे हिसाब से इस साल? Well, that bike is undoubtedly the Royal Enfield Classic 350. अगर हम बात करते हैं Royal Enfield की, तो इनकी बाइक्स जो है अपने लुक की वजह से, उस एग्जॉस्ट नोट थंब की वजह से, और ओवरऑल पर्सनैलिटी की वजह से जानी जाती हैं. इन बाइक्स को लोग दिल से खरीदते हैं, और कुछ लोग पहले कहते थे कि दिमाग मत लगाओ, सिर्फ दिल लगाओ, लेकिन सच्चाई है कि जो नई बाइक आई है, नया वर्जन जो आया है, ये दिल और दिमाग दोनों को मिक्स करके आप खरीद सकते हैं. ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? वेल, इसलिए क्योंकि एक तो इंजन चेंज हो गया है, ज़्यादा रिफाइंड है पहले से, वाइब्रेशन फ्री है, पावरफुल है, चलाने में मज़ा आएगा आपको. दूसरा, ड्राइविंग डायनामिक्स है, राइडिंग डायनामिक्स बाइक के काफ़ी अच्छे हो गए, तो चलाते वक्त आपको मज़ा आएगा, और ओवरऑल क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर दी है. पहले वाली बाइक में, अब वाली बाइक में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, चाहे बात करें स्विचेस की, चाहे बात करें हैंडल बार की, चाहे बात करें पेंट की, चाहे बात करें इंजन के कवर की, सब चीज़ें क्वालिटी के हिसाब से आलीशान है, बहुत बढ़िया कर दी गई है. तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि पुरानी वाली रॉयल एनफील्ड जैसा फील दे रही है. आवाज़ भले ही सेम हो, बट ओवरऑल फील इज कम्प्लीटली न्यू एंड मॉडर्न, एंड दैट्स व्हाई इट डिजर्व्स टू गेट द बाइक ऑफ द ईयर अवार्ड. तो मेरे हिसाब से ये थी पांच कारें और एक बाइक जो स्टैंड आउट है फ्रॉम अ सी ऑफ अदर कार्स एंड बाइक लॉन्चेस दिस ईयर. अगर मैं बात करूँ कार सेल्स की, तो ऑब्वियसली डाउन थी, लेकिन ओवरऑल इट वॉज अ डिसेंट ईयर. पीपल ट्राई टू रिकवर फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स विच आर देयर. लग्जरी सेगमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेहनत करी. मर्सिडीज अगेन ट्राइड देयर बेस्ट, एंड दे डेफिनेटली आर द बेंचमार्क. मर्सिडीज कार्स आर द बेंचमार्क व्हेन इट कम्स टू सेल्स, व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन, बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स आर देयर अवेलेबल. चाहे आप बात करें AMG लाइनअप की, चाहे बात करें इलेक्ट्रिक कार्स की, चाहे बात करें सस्ती गाड़ियों की इनकी रेंज में, चाहे बात करें महंगी से महंगी गाड़ियों की, सब में ऑप्शन हैं मर्सिडीज के पास. तो आई थिंक अगर लग्जरी कार मेकर ऑफ द ईयर किसी को देना है, तो डेफिनेटली मर्सिडीज को अवार्ड मिलेगा. सबसे अलग है, बाकी अपने राइवल से आगे हैं ये, और डेफिनेटली एक इनके मोमेंटम बना हुआ है जो ये मेंटेन करके चल रहे हैं. एनीवेज गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग. और इससे पहले कि मैं बाय बोलूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर स्पेयर पार्ट्स आपको लेने हैं तो आप जाके bootmo.com पे देख सकते हैं. विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड विश यू ऑल हैप्पी एंड सेफ हॉलीडे सीजन.